नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे एंड दिस लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज द ग्रेविटेशन इट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन विच दिस होल यूनिवर्स इज जस्ट कंटिन्यूसली रनिंग। ओके, जो यूनिवर्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज है, इन दिस गैलेक्सीज देर आर सोलर सिस्टम्स एंड इन दैट सोलर सिस्टम देर इज अ सन एंड अदर प्लैनेट्स एंड दिस फॉर्म द सोलर सिस्टम, जिसके अंदर सन जो रहता है वो हमेशा अपनी एक जगह पर रहता है और उसके अराउंड जो भी प्लैनेट्स है रोटेट्स होते हैं, रिवॉल्व्स होते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग इस लेसन के अंदर डिस्कशन करेंगे। मैं इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा इलुस्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा, आपके सारे के सारे डाउट्स इसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस लेसन एट माई बेस्ट। एंड मेरी जो टारगेट है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, आपको समझ में आना चाहिए, यही टारगेट लेके हम लोग इस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अप ऑन आई विल गिव यू द डिटेल मीन्स बेसिक आइडिया अबाउट दिस लेसन ग्रेविटेशन। दिस ग्रेविटेशन कंसेप्ट वॉज डिस्कवर बाय सर आइज़ैक न्यूटन। और ये किस तरह से डिस्कवर किया इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता है। व्हेन सर आइज़ैक न्यूटन वॉज सीटेड अंडर अ ट्री, ही जस्ट सॉ दैट वन ऑफ द एप्पल इज फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ही जस्ट स्टार्टेड टू थिंक वाई इट फॉल ऑन द ग्राउंड ओनली इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन ओनली एंड वाई इट नॉट गोज इन द अपवर्ड डिरेक्शन। ओके, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि वो नीचे की तरफ ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। और उनके दिल में एक ख्याल आया, अर्थ हैव सम फोर्स, बाय दैट फोर्स अर्थ अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्सेल्फ। ओके, और ये फोर्स जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइनली ही कंक्लूडेड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है, अप्लाई करती है। एंड सेम फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन एनी टू प्लैनेट्स और बिटवीन द सन एंड ऑल प्लैनेट्स एंड बिटवीन द सन एंड ऑल प्लैनेट्स एंड द नेचुरल सेटेलाइट्स। ओके, और जो भी नेचुरल सेटेलाइट्स है, जो हमारे अर्थ का जैसे मून है, इन दोनों के बीच भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड दैट फोर्स स्टेबिलाइज दैट टू ऑब्जेक्ट एट देर स्पेसिफिक ऑर्बिट। ओके, एंड दे जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट। ओके, तो ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत अहम फोर्स है, जो विश्व में जितने भी ऑब्जेक्ट उनके भीतर रहता है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डिफेंस, मैग्नीट्यूड जो रहती है फोर्स की, जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ जो रहती है फोर्स की, इट इज़ डिफेंस ऑन द साइज, शेप एंड द क्वांटिटी विच इज़ प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अर्थ एंड मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन कंसिडर करो कि मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे और आपके अंदर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो जो फोर्स है थोड़ा कम रहेगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ताकि हम लोग की जो साइज़ है, हम लोग के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो प्रेजेंट, इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू द अर्थ एंड अदर सेटेलाइट्स एंड द प्लैनेट्स। ओके, एंड द स्टार्स। ओके, तो ये हम लोग की जो साइज़ है, हम लोग के अंदर की जो क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी डिसाइड द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट दिस फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या बोलता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स रहता ही रहता है, मतलब इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। ओके, और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, सन इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द सेम प्लेस और इट इज़ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, वो खुद की जगह नहीं बदलता। एंड वॉट आर द प्लैनेट्स, दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। तो चलो हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेसन में पढ़ लेंगे कि क्या है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कंसेप्ट क्या है और उस कंसेप्ट को हम लोग किस तरह से याद रखें। ये सारी चीज़ें मैं इस लेसन के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं ईजी करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा ताकि ये एक्सप्लेनेशन आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे केपलर्स थ्री लॉ, जो हम लोग के इस लेसन के अंदर दिए, व्हाट आर द केपलर्स लॉ एंड व्हाट इज़ एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द केपलर्स लॉ। कि जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक कोन है, उसको अगर हम लोग एक पर्टिकुलर प्लेन में कट करते हैं तो हम लोग को मिलता है एक एलिप्टिकल सर्कल, और उसी सर्कल के हिसाब से हम लोग केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, तो चलो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा की, इसके अंदर मेरे पास ए बी सी डी ई एफ, ए जो अल्फाबेट्स मैंने यूज़ किए, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी डी एंड एफ, दिज आर दी
जस्ट प्लेस ऑफ द प्लैनेट, ओके, ये रिवॉल्व हो रहा है, ये सन, इट इज़ प्रेजेंट एट वन ऑफ द फुकाई, यहाँ पे एक फुकाई है, यहाँ पे एक फुकाई, ओके. अगर इलिप्टिकल सर्कल में ड्रॉ करता हूँ तो उसके अंदर मुझे दो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट मिलते हैं, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फुकाई, ओके, और फुकाई, ओके. नाउ सी द दिस इज द पाथ ऑफ द प्लैनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्डर, ओके. तो मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ मुझे पढ़ना है, तो मैंने यहाँ लिखा द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये उसका पूरा मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है. इसके हिसाब से हम लोग केपलर्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ को पढ़ लेंगे एंड देन विल स्टार्ट द सेकेंड कंसेप्ट फ्रॉम दिस लेसन. तो चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ को हम लोग पढ़ लेते, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ओके. सो मेरा द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर फर्स्ट लॉ बोलता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स. ये जो ऑर्बिट है प्लैनेट का ऑर्बिट, इट इज एन एलिप्स. आप लोग देख सकते हैं एन एलिप्स मतलब एलिप्टिकल सर्कल है. एंड सन इज एट वन ऑफ द फुकाई, एंड सन इज एट वन ऑफ द फुकाई, ये के प्लस फर्स्ट लॉ है. और मैं इस डायग्राम के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स एंड सन इज एट वन ऑफ द फुकाई, एंड सन इज एट वन ऑफ द फुकाई. सो दिस इज के प्लस फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं के प्लस फर्स्ट लॉ, ओके. वापिस एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, देखो The orbit of a planet is an ellipse. आपको दिख रहा है ऑर्बिट है प्लैनेट का, इट इज एन एलिप्स एंड सन इज एट वन ऑफ द फुकाई, एंड सन इज एट वन ऑफ द फुकाई. ये के प्लस फर्स्ट लॉ है जिसकी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मैं खाली आपको ये इलुस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये लॉ समझ में आ जाए, ओके. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर और के प्लस फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते, ओके. ये सेकेंड लॉ मैं इस तरह से इस डायग्राम की हेल्प लेके इन एन इक्वल टाइम, ओके, प्लैनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया व्हेन दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओके, इन एन इक्वल टाइम. सो व्हेन प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्डर, द एरिया कवर्ड इन एन इक्वल टाइम इज ऑलवेज इक्वल. ही हम लोग को इस सेकेंड लॉ से पढ़ना है, जो हम लोग को बोलता है जब कोई प्लैनेट क्या करता है सन के अराउंड में एन इलिप्टिकल ऑर्डर में जब घूमता है तो वो क्या कर रहा है कि एक इक्वल टाइम लेता है इक्वल एरिया कवर्ड करने के लिए, ओके. सो द लाइन ज्वाइनिंग टू द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स एंड इक्वल डिस्टेंस और इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्वीप्स एंड इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो मैं इसको बोलूँगा जो ए बी इज सन से लेके एस इज प्लेस, सो एस ए बी ए जो एरिया है दिस एरिया इज इक्वल टू एस सी डी ए एरिया जो है इससे इक्वल रहेगा एंड इट इज इक्वल टू एस ई एफ, ओके. तो ये द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स एंड इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो मैंने जानबूझ के लिखा है कि मान लो इसको मैं फाई अर्स का टाइमिंग लेता हूँ तो ये भी फाई अर्स का टाइमिंग रहेगा, ये भी फाई अर्स का टाइमिंग रहेगा एंड ये जो एरिया उन्होंने कवर्ड किया है वो एरिया सेम रहेगा, ओके. दिस इज द केपलर्स सेकेंड लॉ, ओके. द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स एन इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ओके. ये मुझे सेकेंड लॉ केपलर का है जो मुझे डायग्राम से क्लियरली समझ में आ जाएगा, ओके. तो दिस इज द फायर्स टाइमिंग, देन दिस विल बी फायर्स, दिस विल बी फायर्स एंड दिस एरिया एस ए बी एस सी डी एंड एस ई एफ इज ऑलवेज हैव द इक्वल, इक्वल मीन्स इक्वल एरिया, दिस इज इक्वल एरिया, ओके. इनका जो अंदर का जो एरिया है वो इक्वल है, ओके. एरिया मीन्स उनके अंदर का जो जो साइज है फील्ड का वो सेम रहे, ओके. सो ये अगर 5000 किलोमीटर्स स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर किलोमीटर्स रहता है तो ये भी 5000 रहेगा, ये भी 5000 रहेगा, ओके. सो दैट इज द केपलर्स सेकेंड लॉ, ये केपलर्स का सेकेंड लॉ है. इसको ज़्यादा आप एक बार पढ़ लो तो आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा, ओके. सो दिस इज द केपलर्स सेकेंड लॉ एंड व्हाट इज द केपलर्स थर्ड लॉ, ओके. केपलर्स थर्ड लॉ इस तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स उसका जो स्क्वेयर रहता है, द स्क्वेयर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, द स्क्वेयर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the cube of the mean distance between sun and planet. The cube of mean distance between sun and planet. Okay. So, maan lete t square, it is the square of period of revolution of planet around the sun. It is directly proportional to the mean of distance of mean distance. ये मीन डिस्टेंस क्यूब ऑफ मीन मीन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मीन रहेगा तो उससे डायरेक्टली इसको हम लोग टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के एज अ कांस्टेंट के प्लस कांस्टेंट बोल के इसको लिख सकते हो ओके तो इस तरह से थ्री लॉज हम लोग को स्टार्ट में पढ़ने इस लेसन के शुरुआत में पढ़ने इनको समझ के लेना है तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ सकते हो कि आई डोंट हैव इवन द बुक आल्सो सो आई कैन नॉट चेक द गिवन कंटेंट ऑफ दिस लेसन फ्रॉम बुक बट विदाउट बुक आई एम जस्ट ट्राइंग टू अरेंज दिस कंसेप्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस एज पर माई कैपेसिटी ओके मेरी जितनी कैपेसिटी है मुझे जितना समझ में आ रहा है मुझे जितना अच्छा आपको बताना पॉसिबल है उस तरह से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सो हम लोग को केपलस फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ आपको समझ में आया रहेगा तो वापस एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ एंड वी विल कम्प्लीट दिस पॉइंट दिस टॉपिक ईयर एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन ओके फर्स्ट लॉ मुझे क्या बोलता है The orbit of a planet is an ellipse and sun is at one of the foci. Second law bolta hai, the line joining the planet and sun sweeps an equal area in equal intervals of time. Third law mujhe bolta hai, the square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between sun and planet. Okay, to ye teen law mujhe achhi tarah se yaad rakhne taki ye teenon law mujhe bahut jyada kaam aane wale hai jab main kya karunga न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ूंगा या इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ूंगा ओके तो उनके अंदर भी मुझे इनका काम आने वाला है और मुझे याद ही रखने ताकि ये मेरे लेसन का एक पार्ट है ओके तो चलो हम लोग अभी क्या करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं Okay, we'll discuss the second point from this lesson, universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation को discuss करेंगे तो हम लोग एक ऐसी जर्नी करें जिसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है जैसे कि अर्थ इज ऑलरेडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन तो सोच लो दोस्तों हम लोग भी अर्थ के स्पीड के साथ सन के चक्कर्स लगा रहे हैं लेकिन हम लोग को महसूस नहीं हो रहा है ताकि अर्थ का जो साइज़ है जो मास है इट इज़ वेरी ह्यूज एज कम्पेयर टू द बॉडी मास और एनी अदर मास विच इज़ प्रेजेंट और एनी अदर मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी अर्थ ओके तो हम लोग भी यूनिवर्स में कंटिन्यूसली घूम रहे हैं जैसे कि टाइम बीतता जा रहा है हम लोग को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है लेकिन ये सोचने वाली चीज़ है कि बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देखो हम लोग कि जैसे कि अर्थ ही हम लोग का एक सीप है बहुत बड़ा और जिसके सारे जैसे समंदर में घूमते उसी तरह हम लोग यूनिवर्स का जर्नी कर रहे हैं ओके तो चलो बात करते हैं हम लोग द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तो मुझे न्यूटन क्या बोल रहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहने दो ये यूनिवर्स के अंदर उनके बीच में एक फोर्स रहता है सो दैट फोर्स इज़ नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट्स ओके सो इन दिस यूनिवर्स ओके एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओके सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them okay to chalo maine yahan pe kya kiya do objects le liye a object b object okay to mera jo f hai f is a force of attraction which is present between both object f which is according to the newton's given statement every object in the universe attracts every other object with a force okay that is the force is directly proportional to the product of their masses तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ओके दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है तो ये मेरा स्टेटमेंट बना उसका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अगर मैं इसका एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ एफ इज इक्वल टू मैं लेता हूँ जी एफ इज इक्वल टू जी तो मुझे जो मिलेगा इक्वेशन कैपिटल जी
and then m1 into m2 upon r square. तो मेरा ए जो कंसेप्ट है इसको बोलेंगे हम लोग, ये मेरा जो डेरिवेशन है दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द न्यूटन्स इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएगा, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इजी लॉ अकॉर्डिंग टू द माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बहुत ही ईजी है। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between their centers. Okay, तो inversely proportional है उनके distance का जो square है उससे inversely proportional है and directly proportional to the product of their masses. G is the universal constant of gravitation. Okay, और gravitational constant बोलेंगे आप, universal gravitational constant. Okay, G is what? Universal gravitational constant. G. Universal ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसको बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके, सो जी द वैल्यू ऑफ जी इज कैलकुलेट। अभी मुझे जी निकालना रहेगा तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दूंगा तो मुझे मिलेगा एफ इंटू आर स्क्वेयर, बिकॉज इट इज़ अ डिनोमिनेटर इट गोज टू न्यूमरेटर, एफ इंटू आर स्क्वेयर अपॉन मुझे मिलेगा m1 इंटू m2। ओके, ये मुझे इक्वेशन मिलता है तो चलो मैं इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ, इफ आई रीअरेंज द इक्वेशन आई विल गेट दिस इक्वेशन एफ इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। अगर मैं इसको अभी कैलकुलेट करता हूँ, मुझे पता है अगर इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे इसका वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू हेनरी कैवेंडिस जिन्होंने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया था, लेकिन इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे। फोर्स हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फोर्स जो है हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस जो है ये आर स्क्वेयर डिस्टेंस मीटर और उसका स्क्वेयर बन जाएगा ताकि आर का स्क्वेयर है एंड kg into kg, सो kg into kg स्क्वेयर बनेगा। तो ये जो मेरा है ये यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। ओके, एंड इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। इसको इस तरह से लिख दो दोस्तों, तो यहाँ पे डॉट लिख के यहाँ पे -2 का साइन डाल दो तो भी आपका ये वैल्यू है ये सही रहेगा। ओके, आपको दो तरीके से यूनिट लिखना है, इस तरीके से एक लिख सकते हो, इस तरीके से। ओके, तो ये आपको समझ के लेना, इस तरह से इसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया है एंड इट इज़ नोन एज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज़ वेरी इजी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, एंड जी इज नोन एज द ग्रेविटेशनल कैपिटल, जी इज नोन एज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय द हेनरी कैवेंडिश एंड इट इज 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। ओके, इसका यूनिट है ऑलरेडी, यूनिट हाउ टू कैलकुलेट आई जस्ट टेल यू द एफ इज न्यूटन, आर स्क्वेयर मीन्स द डिस्टेंस इट इज मीटर स्क्वेयर एंड m1 इंटू m2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम kg स्क्वेयर। ओके, एंड सो यू कैन राइट लाइक दिस 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। दिस इज नोन एज इनवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स वैल्यू। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो डेरिवेशन है इट विल कम, आपको ये हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम। तो इसको आपको याद रखना है, एक बार अच्छी तरह से समझ के लेना है आपको। वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इट कैन हेल्प यू इन द न्यूमेरिकल्स एज वेल एज टू फाइंड आउट द अदर वैल्यूज विच आर लाइक द एस्केप वेलोसिटी, यहाँ पे आपको ये काम आएगा और बहुत जहाँ पे आपको इसका जरूरत है वहाँ पे इसको यूज़ करो। तो हम लोग इसकी कोरिलेशन को फाइंड करते जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड कंसेप्ट था आपके फर्स्ट लेसन में से ग्रेविटेशन में से। फिर भी आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे बेशक कमेंट्स करके बता देना, यूट्यूब पे आप नहीं कर सकते हो बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड द चैनल फॉर किड्स एंड देर इज़ कम्युनिटी टैब इज़ ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय द यूट्यूब अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द यूट्यूब। ओके, बट यू कैन फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज गोविंद एंकर, वहाँ पर आप जाओ, नॉलेज इज़ पावर मेरा एक पेज है। नहीं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी नॉलेज इज़ पावर 435 ये मेरा जो पेज है वहाँ पे मुझे फॉलो करके आपके डाउट्स आपकी क्वेरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। और हम लोग क्या करेंगे, उस डाउट्स का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे
एट आवर बेस्ट लेवल। ओके, तो चलो इसको हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया, तो अभी हम लोग क्या करते इस लेसन के अंदर के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, और ये लेसन के जो भी वीडियोस बनेंगे वो पार्ट में बनेंगे। ये जो वीडियो रहेगा ग्रेविटेशन पार्ट वन, इसका सेकेंड वीडियो ग्रेविटेशन पार्ट टू, जिसके अंदर मैं सारे के सारे कंसेप्ट को इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको क्या करना है, एक के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा वीडियो ऐसे देखते जाना है। शॉर्टकट मत यूज़ करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यू ट्राई टू लर्न द लेसन थॉरली एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट फ्रॉम द लेसन। ओके, शॉर्टकट जिंदगी में कभी मत यूज़ करो, ताकि वो आपको आगे जाने के बाद बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कोई भी फायदा नहीं होगा आपके लिए। ओके, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, विल टॉक अबाउट द सेंट्रीपेटल फोर्स नाउ। ओके, व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स? द फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, अरे सेंटर सीकिंग फोर्स, जिसको बोलते हैं कि सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। बट हम लोगों ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया था, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इफ द मास ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल। ओके, अगर मास किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में से एक का डबल हो जाता है, तो फोर्स जो दो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है वो भी डबल हो जाता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, देन फोर्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर्थ टाइम। ओके, वन फोर्थ हो जाता है, वन फोर्थ मतलब वन अपॉन फोर। ओके, कि वो कम हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होता है, डिस्टेंस कम होता है फोर्स बढ़ता है। अगर ऑब्जेक्ट का जो मतलब मास है दोनों में से एक ऑब्जेक्ट का वो बढ़ता है, तो फोर्स भी डबल हो जाता है। आपको याद रखना है, डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स वन फोर्थ इस तरह से कम हो जाता है। ओके, अगर मास डबल हो जाए तो फोर्स भी डबल हो जाता है। ओके, ये थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखो, जिनका आपको आपके फिल इन द ब्लैंक चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में काम आने वाला है। ओके, व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स? ए फोर्स विच इज सीकिंग टुवर्ड द सेंटर और अ फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फोर्स? इसके बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ। और एक चीज़ आपको याद रखनी, व्हाट आर द प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपेटल फोर्स of attraction between the sun and the planets, and ये जो centrifugal force है, it is inversely proportional to the distance between the planets and sun। okay, आपको पता है r square। okay, तो ये जो force है, it is very ampere force for this solar system in which the all planets revolves around the sun। okay, now sun is the center of all that planets। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि इस के अंदर जो सन है आपका, वो ये प्लैनेट का सेंटर, और ये सेंटर जो है वो क्या कर रहा है, प्लैनेट्स को अपने एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एंड देयर फिक्स ऑर्बिट नेवर चेंज बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपेटल फोर्स विच अट्रैक्ट्स देम टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय कीपिंग देम इन द फिक्स ऑर्बिट। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि वे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट है, कि वे सोलार सिस्टम के अंदर के जितने भी प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, जो भी आपके सेटेलाइट्स है, जो भी रहेंगे, वो क्यों अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, क्यों अपनी जगह पे घूम रहे, इसके बीच के रीजंस को आपको अगर इलस्ट्रेट करना है, समझना है, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इसके लिए। व्हाट आर द प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द फिक्स ऑर्बिट? द रीज़न इज व्हाट इज नथिंग बट द सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका रीजन है सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ द सन विच कंटिन्यूसली एक्ट्स ऑन द ऑल प्लैनेट्स, एंड दैट सेंट्रीपेटल फोर्स कीप दैट ऑल प्लैनेट्स इन एन फिक्स ऑर्बिट इन विच दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बिकॉज सन इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। सन जो सोलर सिस्टम के अंदर का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एंड सच टाइप ऑफ सो मेनी सोलर सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द गैलेक्सीज, एंड सच टाइप ऑफ सो मेनी गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, एंड इन दिस यूनिवर्स so many galaxies are present, and in this way the
होल यूनिवर्स इज रोटेट्स। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब आईएमपी पॉइंट है जिसको याद रखना है, जिसका बहुत ज़्यादा अहमियत है। सो रीजन इज सेंट्रीपेटल फोर्स। व्हाट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स? द फोर्स विच इज सीकिंग टुअर्ड द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और द फोर्स विच एक्टिंग टुअर्ड द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द ऑब्जेक्ट, ओके, इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, तो ये जो सन है हम लोग का, ये सेंटर एंड दिस प्लैनेट्स आर ऑल आर दी नथिंग बट रिवॉल्व्स अराउंड इन अ ऑर्बिट अराउंड दिस सेंटर। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जिसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये था हम लोग का पार्ट वन। ये एक मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने पार्ट वन में आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करे कि आपके सर्कुलर मोशन, द मोशन इन द सर्कल अराउंड सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहती है और नॉन यूनिफॉर्म रहती है। जैसे अगर मैं किसी भी फ़ैन को रिवॉल्व करूँ, किसी भी फ़ैन को ऑन करूँ, तो उसके जो ब्लेड्स रहते हैं, वो जो घूम रहे हैं, उनको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ताकि उसकी मोशन बदलती नहीं। अगर मैं बढ़ाऊँ तो भी बढ़ जाती है, लेकिन वो सेम ही रहती है हर वक्त, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो मोशन हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ, सो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो चलो ये जो चीज़ें हम लोग कुछ समझ लेते हैं, इनको जान लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सेंट्रीपेटल फोर्स का डेरिवेशन बताऊँगा, और उसके अंदर F इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, उसका डेरिवेशन हम लोग निकालेंगे। और उस डेरिवेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन ने प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, जो हम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेट्स और मोशनों के, उसके हिसाब से न्यूटन ने इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव किया था, प्रूव किया था। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस तरह से हम लोग इस लेसन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 वीडियो बनाएंगे। 3 वीडियोज़ के अंदर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, एंड 4th वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बाद में इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको मैं खाली ओरली एक्सप्लेन करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी सोल्यूशन ऑन बोर्ड, बिकॉज मैं ओरली आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आपका जिम्मेदारी है कि आपको उसको प्रैक्टिस करके समझ के लेना है। ओके, तो चलो इतना इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स एंड इट्स डेरिवेशन, विच इज रिलेटेड टू द केपलर्स थर्ड लॉ, एंड हाउ द न्यूटन प्रूव दैट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो के अंदर। बाद में हम फ्री फॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, एस्केप वेलोसिटी एंड व्हाट आर द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस लेसन, एंड फाइनली विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस लेसन। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड द वीडियो फॉर द ग्रेविटेशन, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वीडियो, सो दिस इज द रिवाइज वीडियो जिसके अंदर मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। एंड मैथमेटिक्स के भी वीडियोज आते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। Thanks and keep watching.